अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर नसार बिलाउंच। और आज हम बना रहे हैं अनियन एग, और ये बहुत इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपने अगर कुछ भी नहीं घर में बनाया हुआ तो अब आपको कोई आ जाए फॉरन से तो अब क्या करना है। तो हमने करना क्या है, हमने जल्दी से बनाना है ये रेसिपी को। इसमें जस्ट हम यूज़ करने वाले हैं प्याज, एग और सिंपल हमारे सारे मसाले, नमक, मिर्ची और हल्दी एंड ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और जस्ट ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो पहले मैंने क्या किया है, मैंने ऑयल में लिया है पैन में, उसके अंदर मैंने प्याज भी थे वो थी कट करके उसको डाल दी है, और साथ ही मैंने जो है 2 pinch ऑफ जीरा ऐड कर दिया। अब हम लोग प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हैं, थोड़ा सा हमें उसको कलर देना है, और इसमें हम ऐड कर देंगे हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पीसा खाना पसंद करते हैं तो आप जो है चीज़ वाली भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो ऐसी वाली होती है आप ये ऐड कर दें इसके अंदर। मैं इसके अंदर ये साइज में थोड़ा छोटी है तो 2 अदद ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। जब मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी है तो हम हल्का सा मिक्स करेंगे, और बेसिकली ये जो है हमारा सालन, ये जो आप पराठे के साथ खाएं बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना टमाटर, 1 टमाटर मैंने कट कर लिया है तो मैं ऐड कर दूँगी। देखें मैंने जो है प्याज बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, इनको इसी तरह से रखें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी स्पाइस, हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 pinch ऑफ हल्दी, और आप चिली हमेशा अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और सॉल्टी थोड़ा सा इसमें नमक और इसकी ऐड कर रही है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमें ऐसा मिक्स करना है कि हमारे जो टमाटर है ना वो थोड़ा सा पूरी फॉर्म में चला जाए, थोड़ा सा मेल्टेड हो जाए। अच्छे से फ्राई करेंगे, और जो सारे मसाले हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि ये अच्छा फन का जो इनका टेस्ट है वो ना आए बिल्कुल भी। तो 3 से 4 मिनट हमने ऐसे फ्राई करना, और ये इतनी इजीली जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। आप इसमें प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर आप इसके अंदर जो टमाटर है उनकी क्वान्टिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें जस्ट जीरा ऐड किया है और कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। एट द एंड में थोड़ा सा इससे गरम मसाला, मैजिकल मसाला बेसिकली जो मैंने बनाया था वो स्प्रिंकल करूँगी इसके अंदर, और हमारा जो ये है डन हो जाए। जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, मैं 3 मिनट तक इसकी तकरीबन भुनाई करने वाली हूँ। आफ्टर 3 मिनट मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ। ये हो गया है डन। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर एग ऐड करना है, आप चाहें तो इसको बीट करके ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ऐड करी, ठीक है आप बीट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। ये थोड़ा सा इसके अंदर चला गया था, इसको हम निकल ही नहीं रहा है ये तो निकाल लें, और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स। ये आंच को हमने करना है फ्लेम को स्टोव, बिकॉज हम इसमें एग डाल रहे हैं वरना चीज हीट आएगी। इसका कलर कितना अच्छा बना। अगर इसको 5 मिनट इजी रेसिपी रहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये बहुत झटपट से 5 मिनट में तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर हम अपना गरम मसाला ऐड करने वाले हैं, और हम स्प्रिंकल कर देंगे इसको। ये देखें आप, हमने इस पर स्प्रिंकल कर दिया अपना मैजिक मसाला, और ये हो गया है डन। की फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ, और हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे, और इसको हम सीजन कर देंगे कैसे
मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवा दूँ। एंड हेयर इज द फाइनल लुक। मैंने इसको जस्ट कोरिएंडर के साथ जो है गार्निश कर दिया है। इट्स लुक सो यमी। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ, देख रहे हैं कितना अच्छा कलर और बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।